चलते हैं सीधा माउंट आबू, जहां पर भाजपा का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और उसके समापन सत्र को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। मैं अध्ययन के बारे में ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि उसको अनुभूत करने की जरूरत है। वो वक्तित्व में और वक्तित्व में बहुत बोला जा सके इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि जब मैं यहां आता हूं तो मैं इसको पावर हाउस मानता हूं। यहां पे हम सकारात्मक तत्वों का पावर ये राजयोग साधना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अपने आप को अंतःकरण को जानने का रास्ता है और जानने के साथ साथ हमारा सकारात्मक योगदान क्या हो सकता है इसको अपने मन में टटोलने का मौका मिलता है, जानने का मौका मिलता है और उससे स्वतः प्रेरणा में किस तरीके से हम समाज में अच्छा योगदान कर सकते हैं, अच्छा नागरिक बन सकते हैं, अच्छा इंसान बन सकते हैं, अच्छा समाजवादी बन सकते हैं, अच्छा सामंजस्य रख सकते हैं, अच्छे तरीके से समाज को आगे ले जाने के लिए सक्षम हो सकते हैं, इसका हमको प्रेरणा जरूरी है। आज मैं यहाँ आया था तो मैंने पहले तो यही किया था कि मैं अपने राज्यों की रिपोर्ट से मिलूंगा, इंजीनियर से मिलूंगा, हम अपने दीदी से मिलेंगे, दादी से मिलेंगे, सबके साथ हम चर्चा करेंगे, उनका आशीर्वाद देंगे। लेकिन हमारे प्रकाश भाई हैं जो हमेशा मुझे कहते हैं कि आपको बस थोड़ी देर के लिए आना, और वो थोड़ी देर ऐसा होता है कि जब मैं कार्यक्रम देखता हूँ तो मेरा एक अच्छा कार्यक्रम को बना करके रखते हैं। ये उनका प्यार है, मैं कभी मना नहीं करता हूँ और मना कर ही नहीं सकता हूँ। तो ऐसे मुझे यहाँ आने का मौका मिलता है, आप मुझे महात्मा बुलाए इसमें मेरा भला होगा, क्योंकि मैं पावर आपसे दूंगा, ज्यादा पावर दूंगा और पावर दूंगा तो पार्टी में पावर दूंगा और दूंगा तो आगे आपसे ऐसा मैं मानता हूँ। आप सबने हमारे और हमारे साथियों को यहाँ आने का सौभाग्य दिया, हमारे वरिष्ठ राजस्थान के नेता सभी यहाँ पर आए हैं, उनको भी ब्रह्मकुमारी संस्थान से जुड़ने का मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला। हम जरूर इन यादों को इन सत्रों को ले जा रहे हैं और इस विश्वास के साथ कि हम हमारे कार्य करने के क्षेत्र अलग हो सकते हैं पर हमारा उद्देश्य एक ही, मंजिल एक ही, और वह मंजिल है कि भारत अपने सकारात्मक योगदान के साथ देश में शांति, दुनिया में शांति और दुनिया में